हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे, आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट streetfood.cafe से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमरनाथ के बारे में। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। वहाँ से ये 135 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर से जो गहराई है 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और प्राकृतिक एक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की पूरे सावन महीने में गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है जबकि गुफा में आम तौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे भी अलग अलग हिमखंड हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्ुओं को पिस्ुटाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमर यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। आज भी चौथावी चढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती के नद पर जाते आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हुई हैं। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।